नमस्कार दोस्तों, अब तक आप 2018 और 2019 यूपीएससी सी सेट के पेपर को आप ध्यान से देख चुके होंगे। आशा है आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तमाम लोग कमेंट्स में क्वेरीज भी आती रहती हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, यदि कभी किसी प्रश्न में आपको लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आप उस वीडियो को दो बार तीन बार देख लें। मेरी पूरी कोशिश रही है कि एकदम आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। सीसेट की कठिनाइयों को देखते हुए इस सीरीज को हम कंटिन्यू यानी आगे भी जारी रखेंगे। आज हम लोग 2020 यानी 2020 के प्रश्नों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 2020 की सीरीज भी उसी क्रम में आएगी जैसे पहले 2018 और 19 की आ चुकी है। और एक बात और, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पीपीटी है वो क्लियर नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। कारण क्या है कि इसको मैंने यूपीएससी के पेपर से सीधा कॉपी करके पीपीटी बनवाया गया है। रीजन ये था कि अगर वहां से कॉपी नहीं करेंगे और टाइपिंग करवाएंगे तो टाइपिंग में कई बार मिस्टेक भी हो सकती है, तो फिर वो मजा खराब हो जाएगा। तो अगर आप सीधा मोबाइल करके देखते हैं तो उसको जूम कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। और मैं इस पहले भी बता चुका हूं कि अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए। और आज 2020 के जिस सेट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको यह भी बता दूं कि यूपीएससी प्रतिवर्ष 4 टाइप ऑफ सेट यानी ए बी सी डी 4 प्रकार के सेट होते हैं। प्रश्न तो सेम होते हैं पर प्रश्नों का क्रम अलग अलग होता है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि 2018 में 19 में भी ए सीरीज थी, आज 20 में भी ए सीरीज ही होगी। यदि आपको कहीं प्रश्न पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि ज्यादा जूम करना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं। सोल्यूशन तो मैं बड़े अक्षरों में कराने की कोशिश करता हूं, लेटर्स में या नंबर्स में, और आज भी वही कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये काम करो कि अगर आपको दिक्कत होती तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर रख लो। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2020 के प्रश्नों को। ये आप देख लीजिए, सेट ए है 2020 का पेपर। सेट ए से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता हो है, वो ये जान लें कि 4 प्रकार के सेट होंगे, ए बी सी डी। तो जो ए सेट है वहां से क्रम हम प्रश्नों का लेके चल रहे हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा कॉम्प्रेंशन का है, दे रहा है निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, कॉम्प्रेंशन के बारे में थोड़ा सा मैं आज आपको फिर ब्रीफ कर दूं। पहली बात, कॉम्प्रेंशन को तेजी से पढ़िए और कंसंट्रेट होकर पढ़िए। दूसरी बात कि प्रश्न को पढ़ते वक्त यानी कॉम्प्रेंशन गद्यांश को पढ़ते वक्त आप अपने दिमाग में किसी तरह की पूर्व धारणा लेके न चले। मान लिया आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है ये, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। हो सकता है उस टॉपिक को आपने कभी किसी क्लास में पढ़ा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा है फैक्ट वही यहां दिया हुआ हो। यह एक काल्पनिक लेख भी हो सकता है, आपने जो डेटा पढ़ा है उसके अपोजिट भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको उत्तर देना है तो जो यहां आर्टिकल लिखा हुआ है, यहां से जो मर्म निकलेगा उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। चलिए पढ़ते हैं। भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु ये केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टतः बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं। सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही हैं, जिनकी देश को आवश्यकता है। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। केवल वे घरेलू सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। अब ये हमारा प्रश्न, अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। परिच्छेद में निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है? निहितार्थ का मतलब होता है कि निहित अर्थ यानी उसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके लिए आपको कॉम्प्रेंशन को पढ़ते वक्त अपने दिमाग को कॉम्प्रेंशन के साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे मोबाइल चार्ज करते वक्त ना बिजली की बोर्ड में कनेक्शन देते हैं, वैसे दिमाग को कॉम्प्रेंशन के साथ कनेक्ट करना होगा, तो ही बैटरी चलेगी। अब निहितार्थ एक बात,
दूसरी बात यहां कह रहे हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ, तो यूपीएससी का ऑप्शन है तो निहितार्थ जैसे तो दो भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं। अब इसका तरीका यह होता है कि जब आप निहितार्थ सेलेक्ट कर रहे हो तो जो आपको गैर जरूरी लगे उन्हें इलिमिनेट कर दीजिए। अभी आपके सामने इलिमिनेट करेंगे। जो आपको लगता है कि नहीं ये निकल रहा है यहां से, उसको आप होल्ड पे रखिए। फिर जो होल्ड वाले होंगे उनमें से आप बेस्ट ऑप्शन की ओर जा पाएंगे। क्यों, कैसे बेस्ट ऑप्शन की ओर जाएंगे? क्योंकि कह रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवसन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ये है एडवाइस। तो पहली बार में गलत। निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए, इसको होल्ड पे रख लो। सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है, ये बात नहीं की गई है। ठीक है, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च बढ़ाना आवश्यक है। अब देखिए डी और बी ये दोनों होल्ड पे हो गए। अब अगर आप इसे इसके निहित अर्थ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। जाहिर सी बात है यहीं से रोजगार जनरेट होगी, ये लाइन उसने इसके अंदर निहित रखी है। और अगर आप इसे समझ पाएंगे तो बड़े आसानी से कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये परिच्छेद दो, इसे पढ़िए। भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। ध्यान यह देना कि यूपीएससी के जो शब्द होते हैं ना थोड़े से तकनीकी तौर पे मजबूत होते हैं, टेक्निकल होते हैं, तो अगर आप एक झटके में उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कह क्या रहा है, इसलिए तेजी से समझे। भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी हो और सभी के लिए हो, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके। इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं है, अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि गैर सरकारी पक्षकार इसको अवरुद्ध करने में सक्षम ना हो। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रश्न पर। यह हमारा प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। याद रखना पूर्व धारणा का मतलब होता है लेखक जब लिख रहा था तो उसके मन में जो चल रहा था वही है पूर्व धारणा। तो हमेशा इस बात पे ये इस पे मत फोकस करना कि निहितार्थ निकालने लगे या एक्सप्लेनेशन निकालने लगे या निष्कर्ष निकालने लगे। अवधारणा का मतलब होता है लिखने वाले के मन में क्या था जो उसने ऐसी बातें लिखी है। ठीक है, डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके। बिल्कुल ये बात सही कह रही है, ये उसके दिमाग में था तभी उसने ये बात लिखी है। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन ना करें, बिल्कुल ये भी नीत है। तीसरा, डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है, ये बात नहीं कही गई है। केवल पहला और दूसरा, ये दोनों इससे अवधारणाएं बनती हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जिसको अवधारणा की दिक्कत हो तो यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है अवधारणा संबंधित, आप उसे देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ही है, आप उसे देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह है हमारा अगला परिच्छेद। जल के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों से आता है। ठीक है, इसके बावजूद उसे उनसे पृथक माना जाता है। ध्यान देना, यद्यपि जल का प्रयोग एक संसाधन या वस्तु के रूप में किया जाता है, लोक नीति सदा यह नहीं समझ पाती कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास है, न कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने की। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जब बहुत छोटा हो और आपको लगे इसे समझने में दिक्कत आ रही है
तो आप उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ध्यान देना, सर्वाधिक तर्कसंगत भी हो, विवेकपूर्ण भी हो, और तीसरी बात निष्कर्ष हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों एवं अन्य अर्धभूमियों को संरक्षित किया जाना चाहिए, यह बात नहीं कही गई है। जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवृत्तित किया जाना चाहिए, यह भी बात नहीं कही गई है। अर्धभूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप में कहीं अधिक प्रवलित करना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी भी देख लेते हैं, जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग और अति उपयोग को रोका जा सके, ये बात का कोई औचित्य नहीं है, तो ऑप्शन डी वैसे भी नहीं है। मैं मानता हूं कि जो लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे उन्हें बी और सी में दिक्कत आएगी, ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा, बी और सी में दिक्कत आएगी। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अवृद्धित किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। इसे नीचे देखिए, अर्धभूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप से कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। अगर आप प्रबलित का अर्थ ना समझना है तो इसके लिए आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, हमारे निवेश निर्णयों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है संपत्ति का विनिधान, और दुख की बात है कि हम में से अधिकांश इस निर्णय को उतना महत्व नहीं देते जितना वांछित है। हम अपने भविष्य की पूर्वानुमेयता तलाशने के लिए अडिग हैं। हमारी सोच जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश के लिए अत्यधिक चपल एवं मूल्य क्षण के प्रति अभिमुखित है। हम निवेश के अस्थिर प्रतिफल एवं नियंत्रण लोग को भी पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे धन का निष्क्रिय अनुत्पादक रहना बेहतर है पर वह सुरक्षित रहे, परंतु ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो जोखिम मुक्त हो। हम अपने रोजगार खो सकते हैं, हमारे घर अपना मूल्य खो सकते हैं, हमारे बैंक दिवालिया हो सकते हैं, हमारे ब्रांड भुगतान से चूक सकते हैं, सरकार गिर सकती है, हमारे मन मुताबिक चुनी हुई कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, पर हम यह मानकर जीवन नहीं जी सकते कि ये सभी चरम घटनाएं और वो भी सभी एक साथ घटित होने के लिए तैयार बैठी हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जोखिम के ये सभी चरम स्वरूप एक साथ प्रकट नहीं होंगे। यह प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप से निहित करता है। दी गई सलाह को मतलब लेखक कौन सी एडवाइस दे रहा है जो श्रेष्ठ रूप में अव्यक्त होगी, यह देखने की बात है। अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके, ये बात तो आपने पढ़ करके सीधे सीधे नजर लगा लिया होगा कि इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं। यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए, यह बात नहीं कही गई है। निवेश करते समय एक ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन संगठन संस्था को खोजिए जो आपके लिए, ये बात तो बिल्कुल नहीं कही गई है। आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। अब देखो, इसमें और इसमें ए और डी को दोनों होल्ड पे होंगे। अब आप जब ध्यान से देखेंगे, अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो। आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। अगर इन दोनों को देखोगे तो जो एडवाइस है लेखक की, राइटर की, वो क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारा परिच्छेद। यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर अनुवांशिकता रूपांतरित जीएम फसलें एकल लक्षण के लिए अनुवांशिकता अविरचित हैं, भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों के लिए अनुवांशिकता अविरचित होना सामान्य मानक होगा, अतः कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके नियमन को
अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता, बल्कि विभिन्न पहलुओं को जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव सम्मिलित है ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अवलोकन की आवश्यकता है, ताकि नकारात्मक प्रभावों को न्यूनीकृत करते हुए प्रौद्योगिकी की क्षमता को उपयोग किया जा सके। ठीक है, उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशासन और अनुकूलन में मददगार हैं, जैव प्रौद्योगिकी की महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के एक अंश के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों तथा सम्मेलनों के अंतर्गत दायित्वों के अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक है, यह हमारा प्रश्न। निम्नलिखित परिच्छेद संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है, बिल्कुल ये बात अवधारणा में है उसके, तभी वो इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है, ये बात नहीं कही गई है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णयन में सामाजिक आर्थिक पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ये बात कही गई है। चौथा देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप में शामिल होना देश की व्यापार नीतियों, ये तो बिल्कुल नहीं है। यानी पहला और तीसरा कहां है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। ये इसी से ही संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन परिच्छेद के मर्म को श्रेष्ठ रूप में अंतर्निहित करता है? जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया है, ये बात नहीं कह रहा। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूल क्रियाविधि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता है, ये भी नहीं कहा है। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिक तक सीमित नहीं है, ये कहा गया। सी, जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए, ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस परिच्छेद से संबंधित ये 6 प्रश्न थे। नो डाउट मैं ये बात मानता हूं कि परिच्छेद एक बार में समझ में नहीं आता। आप सबसे मेरा यह अनुरोध है कि दो बात, पहली बात एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, जब ये पेपर आप सॉल्व कर रहे हो या ये वीडियो भी देख रहे हैं तो एकदम कंसंट्रेट होकर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रहा है आपके मन में कुछ और चल रहा हो, जिस वक्त आप इसको पढ़ रहे हो आपका मन यही होना चाहिए, यहां होना चाहिए, शब्दों की गहराई तक उतरने की क्षमता होनी चाहिए, स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका ध्यान कहीं और न जाए, और ध्यान के साथ साथ जैसे जैसे लाइन पढ़ते जाओ उसको मन में उतारते जाना है, यही एकमात्र रास्ता है। इसको हल करने के सबसे बेहतरीन तरीके यही हैं। और मैं जानता हूं कि जो लोग इस टाइप की प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसा इसीलिए मैं इसमें करा रहा हूं वीडियो में, जिससे आपके लिए रास्ते बनेंगे, और जो लोग ऐसा कर लेंगे वो सी साइड में फेल नहीं होंगे कभी, इसलिए आपको हमेशा ही कोशिश करनी है। चलते हैं आगे की ओर। यह है प्रश्न बेसिक न्यूमेरेसी का, जिसे लोग कहते हैं मैथ्स, मैथ्स नहीं बेसिक न्यूमेरेसी, क्योंकि इसमें मैथ्स कुछ है ही नहीं, सब कुछ बेसिक न्यूमेरेसी। कह रहा है गुणनफल 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 × 35 × 40 × 35 × 40 × 45 × 50 × 55 × 60 के अंत में कितने शून्य होंगे? शून्य कौन लाता है? शून्य कब आता है? जब कहीं 10 आता है, 10 आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक शून्य नहीं आता ना, जीरो नहीं आता, 10 आने पे जीरो आता है। किसी भी गुणनफल गुणनखंड में, किसी भी गुणनखंड, इसी प्रश्न नहीं भविष्य में भी, यदि जितनी बार 10 आएगा उतने जीरो लास्ट में आएंगे, जितनी बार 10 आएगा। अब 10 कब आ सकता है? 5 × 2 या 10 × 1, तो 5 × 2 हो या 10 × 1, दोनों कंडीशन में जीरो आएगा, 10 आएगा। तो अब यहां पे देखिए ये फैक्टर लिखा हुआ है। अब जब भी कभी ये प्रश्न तो आ चुका है, अब आप सोचेंगे इस प्रश्न का क्या ताल्लुक हो सकता है, ये प्रश्न आ चुका है, इसी प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी भी ईयर में आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है। तो हमेशा याद रखें जीरो की उत्पत्ति के लिए हमें 10 चाहिए होगा, और 10 आएगा 2 × 5 से। अब इस पूरे फैक्टर में अगर 5, जितने 5 होंगे, जितने 2 होंगे, उन दोनों को ले आए, जो उनका कॉमन नंबर होगा ना उभयनिष्ठ,
उतने ही जीरोस में पाए जाएंगे। यानी अब इस फैक्टर को करने के लिए हमें सिर्फ दो और पांच पे फोकस करना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। एक है एक गुणित पांच यानी वन इंटू फाइव, ये फाइव ये वाला है, ठीक है, लिखा है। अब बगल में लिखा है टेन, तो हम टेन को क्या करेंगे, टू इंटू फाइव लिख देंगे, टू फिर जा टेन, दो पंचे दस, पंद्रह है, पंद्रह को दो से तो हम नहीं डिवाइड कर सकते टू से, तो क्या लिखेंगे, थ्री इंटू फाइव। आइए बगल में ट्वेंटी है, ट्वेंटी को जनरली हम कर क्या करते हैं, फोर फिफ जाए ट्वेंटी, चार पंचे बीस, जो चार है फोर वो टू में डिवाइड होगा। चलिए ठीक है, बीस तक हो गया, बीस के बाद क्या है, पच्चीस है, इंटू फाइव इंटू फाइव, पचम पच्चीस, फाइव फिफ जाए ट्वेंटी फाइव, थर्टी है, थर्टी को हम क्या कहते हैं, छह पंचे तीस, सिक्स फिफ जा थर्टी, सिक्स कहां से है, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री तीस हो गया। अब क्या है, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव में टू का काम तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, सेवन इंटू फाइव, थर्टी फाइव बार फोर्टी है, फोर्टी को हम क्या कर सकते हैं, आठ पंचे चालीस, एट फिफ जा फोर्टी, आठ कहां से आएगा, दो दूनी चार दूनी आठ पंचे चालीस, फोर्टी मिल गया। फोर्टी फाइव, फोर्टी को फाइव को पांच, पांच तो हमें निकाल ही लेना है, तो पांच निकालेंगे दूसरी संख्या क्या होगी, नाइन, नौ होगी, नौ को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री, टू से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, पैंतालीस हो गया। पचास पे आइए, पांच दहा पचास, तो पांच गुणित पांच गुणित दो, पांच दूनी दस, दस पचे पचास, पचपन, फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव में फाइव बाहर आएगा लेकिन यहां क्या हो जाएगा, इलेवन, ग्यारह पचास पचपन, यहां हम टू का फैक्टर नहीं निकाल सकते, सिक्सटी दिया है, तो सोचो आप बारह पंचे साठ। अब आप बार बार कह रहे होंगे मैं पांच पे ही क्यों फोकस करूं, क्योंकि पांच और दो ही तो निकालने हैं, पांच बड़ी संख्या है इसलिए पहले उस पर फोकस करेंगे, तो पांच, पांच गुणित बारह यानी फाइव इंटू ट्वेल्व होना चाहिए, ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं, चार दिया बारह यानी टू इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है, साठ हो गया। अब इतना ही है हमारे पास। अब आप सोचेंगे यूपीएससी भविष्य में क्या झटका दे सकता है, यूपीएससी जो एक 5-5 के डिफरेंस में लिख रहा है 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 तक, यूपीएससी नेक्स्ट टाइम क्या कर सकता है, इनमें से बीच बीच से संख्याएं गायब कर देगा, और जो ये 60 तक है इसका सफर वो 90 तक, 80 तक या 75 तक ले जा सकता है। अब आपको इस पूरे फैक्टर में कहीं संघर्ष नहीं करना, पेन उठाना है, केवल 5 काउंट करना है, कैसे काउंट करना है ये भी देखिए, इतने आराम से इसीलिए सिखा रहा हूं कि जो कुछ नहीं जानते वो भी सीसेट पास हो जाए। अब देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, यानी चौदह बार पांच आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव टू द पावर फोर्टीन, लिख दिया। थ्री पे फोकस मत करो, सेवन पे फोकस मत करो, उसकी जरूरत नहीं है, वो टाइम खराब करेंगे, हमें फाइव और टू पे फोकस करना है। अब टू देखो, एग्जाम में जहां रफ करेंगे ऐसे अंडरलाइन करना, नहीं काउंट नहीं कर पाओगे। अब टू को काउंट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आपने देखा टू को मैंने सर्कल में रखा, सर्कल में क्यों रखा, कि अगर कोई एक आध दो छूट जाएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं आप बार बार काउंट करेंगे। अब यहां हम लिख सकते हैं टू टू द पावर टेन। अभी अभी हमने बताया कि जितने पांच हो उतने ही दो होने चाहिए, ज्यादा का तो हमारे पास काम है नहीं, इनमें कम वाला कौन है, टू टू द पावर टेन। फाइव टू द पावर फोर्टीन को हम लिख सकते हैं, यहां से 5 टू द पावर 10 कॉमन ले लिया, निकाल लिया क्योंकि हमें 10 ही चाहिए था,
और यहां 2 टू द पावर 10 कर दिया, तो 5 दूनी 10, 10 टू द पावर 10, बस आ गया हमारा आंसर। अंत में कितने शून्य होंगे? 10। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, अब इसको आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। एलजेब्रा यानी बीजगणित में जिसको एलजेब्रा पसंद हो ना, एक्स वाई जेड, वो एक्स वाई जेड से कर सकते हैं। जिन्हें एलजेब्रा से नफरत है वो अर्थमेटिक से कर सकते हैं, यानी नंबर से कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं, पहले जो तरीका दिया उसी से बता देते हैं, तो दूसरा वाला बता देंगे। कह रहा है एक्स वाई जेड तीन अंकों की एक संख्या है। जब कोई संख्या तीन अंकों की होगी तो एक संख्या सैकड़े वाली होगी यानी हंड्रेड वाली, एक टेंथ वाली होगी यानी दहाई वाली होगी, और एक इकाई यानी यूनिट डिजिट होगी, तभी तीन अंकों की संख्या बनेगी। जहां x प्लस वाई प्लस जेड तीन का गुणांक नहीं है, ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड तीन का गुणांक नहीं है, तीन के फैक्टर नहीं आता, तीन से डिवाइड नहीं होगा, तब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है इनमें से किससे। चलिए देखते हैं, एक्स वाई जेड है, अब चूंकि तीन अंकों की संख्या है और एक्स वाई जेड हमें लेना है पहले, तो एक्स वाई जेड जब लेंगे, एक्स की वैल्यू तो हंड्रेड है, वाई की टेन है और जेड की सिंगल में है, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे, इकाई पे, यानी हंड्रेड पे, टेंथ पे एंड यूनिट डिजिट पे बना दिया। अब इसी में प्लस करा रहा है, अब इस बार वाई को जो है उसने हंड्रेड पे कर दिया, x को यूनिट कर दिया और z को क्या कर दिया, 10 डिजिट पे। चलिए तो अब लिखेंगे 100 y प्लस 10 z प्लस x, बना दिया। अब तीसरा भी है z x y, यानी जब ये लेटर्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं तो इनकी पोजीशन शिफ्ट हो जा रही है ना, अब कह रहा है z x y, तो यहां लिखेंगे प्लस 100 z प्लस 10x प्लस y, बना दिया। ये टोटल संख्या है, अब इनको हम ऐड करते हैं, आइए ऐड करते हैं, 100x x और 10, 111x प्लस 10y, 100y और y, 111y प्लस z में भी 100 10 एंड 1, 111 z, ये बन गया। अब 111 ये कॉमन नंबर, तो इसको आप बाहर निकाल लो, x प्लस y प्लस z। अब कह रहा है इनमें से किससे विभाज्य नहीं है, तो ये देखिए तीन से विभाज्य हो जाएगा, तीन से करिए इसको, काटिए, तीन त्रिका नौ, तीन सत्य इक्कीस, ये डिवाइड हो जाएगा, 37 से भी, 37 से भी डिवाइड हो जाएगा, तीन सत्य के तीन त्रिका नौ दो ग्यारह, 37, 37 से भी डिवाइड होगा, x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड होगा ही होगा, किससे विभाज्य नहीं है, 9 से, क्योंकि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, 111 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसका ये मेथड तो मैंने आपको बता दिया अलजेब्रा से, अब चलिए मैं आपको अर्थमेटिक की दुनिया में ले चलता हूं। मान लो आपको ये पसंद नहीं है, अब पसंद नहीं है तो क्या करेंगे, इसे मैं हटा दे रहा हूं, अब आपको कोई ऐसी तीन अंकों की संख्या लेनी है, कोई भी जो आपकी मर्जी हो, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो तीन से डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो, तीन से यानी थ्री से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो भी संख्या दी उसके अंकों का योग अगर तीन से डिवाइड हो रहा है, थ्री से डिवाइड हो रहा है, तो संख्या तीन से डिवाइड होगी, यानी अंकों का योग तीन से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हम संख्या ले लेते हैं, माना वो संख्या है 124, अब 124 क्यों लिया, 123 क्यों नहीं लिया, तीन दो पांच एक छह, सिक्स आ जाएगा, सिक्स थ्री से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने 1 2 4 कर दिया, चार दूनी छह, चार दो छह एक सात,
यानी 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, कह रहा है ना 3 का गुणांक नहीं है तो 124 ले लिया। अब मान लो ये x है, ये y है, ये z है, मानना क्या है, है ही है जैसे दिया हुआ x y ये तीन अंकों की संख्या है, तो इसमें x 1 है, y 2 है और z क्या है 4 है। अब कह रहा है आपने संख्या ले ली 3 का गुणांक ये है भी नहीं, कह रहा है तब अगर हम ऐसा कर दें तो किससे विभाजित नहीं होगा, तो आइए करते हैं। यहां लिखा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मतलब हो गया 124, ऐसे एज इट इज लिखा हुआ। फिर कह रहा है वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स तो वाई क्या है 2, जेड क्या है 4 और एक्स क्या है 1, वाई जेड एक्स कर दिया। अब कह रहा है जेड एक्स वाई, अब इसमें जेड कौन है 4, एक्स कौन है 1, वाई कौन है 2, यही है ना भाई, ये एक्स वाई जेड है, ये है वाई जेड एक्स है और ये जेड एक्स वाई है, यही है लिखा हुआ सामने आपके। इनको जोड़वा रहा है, ऐड करा रहा है एलजेब्रा में और ये नंबर में हम ऐड कर रहे हैं, देखो 4 1 5 2 7 7 7 7 7 7 आ गया। अब देखो 7 7 7 किस किस से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 3 5 15 3 9 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, 37 से 37 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। आप इसको अलग से डिवीजन करके जब देखेंगे भाग देख देख लेना 37 से भी डिवाइड होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है 7, 7 से भी ये 777 डिवाइड होगा, 777 डिवाइड हो जाएगा। ये किससे डिवाइड नहीं होगा 9 से, चाहे भाग के देख देख लो 963 9872 9872 तो घटाओगे तो क्या आएगा, 7 में से 2 घटाओगे 5 57 और 9 के टेबल में आएगा नहीं, वो 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 57 नहीं आएगा, तो हमारा आंसर ऐसे भी आ गया। यानी इस प्रश्न को आप इन दोनों तरीके से कर सकते थे, इसलिए आपका रास्ता आसान करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, देखिए कह रहा है माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि P माइनस 2016 इक्वल टू Q प्लस 2017 इक्वल टू R माइनस 2018 इक्वल टू S प्लस 2019, निम्न में कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए ये P, Q, R, S लिख दिया तो लोग क्या होगा इससे घबरा जाएंगे कि हमने P, Q तो पढ़ाई नहीं है, उसमें से घटाया जोड़ा नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है, इसके पहले भी 18 के वीडियो में भी, 2018 में भी और 19 में भी, अपनी क्लासेस में भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सीसेट का पूरा पेपर आपके दिमाग को चेक करने के लिए होता है। कहां पर? ऑन स्पॉट एग्जाम में। ऑन स्पॉट एग्जाम में क्या होगा, प्रश्न के साथ थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे ना तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं, P माइनस 2016, Q प्लस 2017, R माइनस 2018 इक्वल टू S प्लस 2019। अब आप ये सोचिए, वो ये कह रहा है ये चारों बराबर है, इन चारों की औकात बराबर है, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें से हम माइनस कर रहे हैं, दो ऐसे हैं जिनमें हम संख्याएं जोड़ रहे ऐड कर रहे हैं, फिर भी ये चारों क्या हैं बराबर हैं। अब आप सोचिए P में से 2016 माइनस कर दे रहे हैं और Q में 2017 जोड़ रहे ऐड कर रहे हैं, फिर भी ये दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन होगा P, Q तो बड़ा होगा नहीं। उसी तरह Q प्लस 2017 यानी Q में 2017 जोड़ रहे हैं, R में से 2018 घटा रहे हैं, फिर भी ये दोनों बराबर हैं, यानी घटाने के बाद भी बराबर, इसका मतलब R भी बड़ा है।
इसका मतलब जो ये प्लस वाले हैं ये बाहर हो गए। ऐसे समझिए, किसी संख्या में आप कुछ प्लस कर रहे हैं और किसी संख्या में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तब वो दोनों बराबर हो जा रहे हैं। तो कौन बड़ा होगा? जिसमें से माइनस हो रहा है फिर भी उसके औकात मेंटेन है, इसका मतलब वो बड़ा है। तो पहली बात, ये जो प्लस वाले हैं दोनों इलिमिनेट हो गए। अब आप आइए पी माइनस 16 आर माइनस 2018। अब हमें चेक करना है पी और आर में से कौन सा बड़ा है। पी में से 2016 घटा रहे, ठीक है, और आर में से 2018 घटा रहे, यानी ज्यादा घटा दे रहे हैं, फिर भी ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब औकात किसकी ज्यादा है? आर की। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इसको ध्यान से देखेंगे समझिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लो ये P, Q, R और S सब जो है किसी गांव में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, है ना। अब इनके गरीबी अमीरी का आलम बता रहे हैं। हम P से पैसा ले रहे हैं, Q को दे रहे हैं, R से पैसा ले रहे हैं, S को दे रहे हैं, तब जाके इनका लेवल बराबर हो रहा है, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों तो पहले से ही गरीब हैं, जो देने के बाद बड़े हो रहे हैं, और जो दोनों से माइनस हो रहा है वो फिर भी अमीर बने हुए हैं। इसी तरह पी और आर बच गए। अब हम पी से कम ले रहे हैं, आर से ज्यादा ले रहे हैं, फिर भी दोनों बराबर हैं, इसके मतलब किसकी औकात ज्यादा है? आर की। यानी हर स्थिति में प्रश्न को अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो बड़े आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये, कह रहा है पांच अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1, 2, 3, 4, 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है। अब जनरली जैसे ये कहते हैं ना बनाई जा सकती हैं, जहां मे बी कैन भी लगता है, लोगों को लगता है आ गया अपना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, पुराना साथी। यहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत है। कह रहा है नंबर आप केवल 1, 2, 3, 4, 5 ही ले सकते हैं, पहली खास बात। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, यानी रिपीट नहीं किए जा सकते। सफल तो किए जा सकते हैं, यानी आगे पीछे किए जा सकते हैं, पर रिपीट नहीं किए जा सकते, यानी नंबर यही रहेंगे। जैसे किसी में 1 सबसे स्टार्टिंग में हो, किसी में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इनमें से कोई लास्ट में जा सकता है, कोई बीच में, पर नंबर रिपीट नहीं होंगे। अब कह रहा है क्या बनानी है? अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित न हो, यह अभाज्य संख्या है। अब आप ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 यही 5 नंबर लेके संख्याएं बनानी है। आप कुछ भी कर लो इनको ऊपर नीचे, चाहे आप 1 यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे 5 यहां रखो, चाहे इनके अंकों का योग यानी डिजिट्स का एडिशन जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15। और हम सब क्या सारे लोग जानते हैं कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी अब अंकों को हम चाहे ऐसे लिखें तब भी क्या आएगा? 15। इनको और भी सफल करके लोगों तो भी 15 आएगा, और 15 जब आ रहा है अंकों का योग यानी डिजिट्स का एडिशन, अगर 15 आ रहा है यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात किसी भी कंडीशन में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बनाई जा सकती। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अगला प्रश्न। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसी टाइप का प्रश्न हम लोग शायद 2018 या 19 में एक प्रश्न कर चुके थे, जिसमें मैंने कहा था कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऑप्शन से उठा करके आप सीधा हैंडल करिए, एक्स वाई जेड मानने की जरूरत ही नहीं। चलिए, पर इनकी खास बात क्या है? ये जो सिंबल बने हुए हैं इन संख्याओं में से कोई भी संख्या आप यहां पुट करिए यानी ढूंढिए,
तो याद रखें कि यहां भी उनका एडिशन वही संख्या आनी। चलिए टू लेते हैं, अगर टू ले लेंगे यहां टू रख देंगे तो टू और टू फोर, टू सिक्स, टू एट और वन नाइन, तो यहां नाइन आ जाएगा जबकि यहां टू आना चाहिए, इसका मतलब टू नहीं हो सकता। ठीक है, थ्री लेते हैं, थ्री थ्री सिक्स नाइन, ट्वेल्व, ट्वेल्व और वन थर्टीन, यानी यहां से थ्री आ जाएगा। यानी अगर हम यहां थ्री रखें, थ्री प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टी थ्री प्लस थर्टी थ्री प्लस थर्टी वन, चलिए ऐड करते हैं, कैरी हुआ वन, वन वन टू, फाइव टू सेवन, सेवन थ्री टेन और टेन और थ्री थर्टीन, यानी यहां यहां भी थ्री थ्री आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर इससे भी नहीं आता तो हम फोर ट्राई करते, तो एक्स वाई मानने से बेहतर है कि हम थोड़ी देर स्ट्रगल कर लेंगे तो बड़े आसानी से यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये, ठीक है। प्रश्न में कहता है यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। कम से कम कितनी लंबाई नापना है तो आपने सुना होगा एक एलसीएम और एससीएफ होता है, तो मैं उस तरीके से बता देता हूं। और आपको बार बार मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूपीएससी ऐसे प्रश्न देता है कि जिसके पास दिमाग हो उसे आसानी से कर ले। तो पहले मैं एससीएफ से बता देता हूं, उसके बाद वो बता देता हूं कि दिमाग होगा तो कैसे करेंगे। चलिए एससीएफ निकालते हैं, 7.5 ऐसे लिख लो और 3.25 लिख लिया, इनका एससीएफ निकालना है। तो पहले तो दशमलव हटा दें, दशमलव कैसे हटेगा, यहां दो अंकों पे है, टू डिजिट पे है और यहां वन डिजिट पे है, क्योंकि दोनों तरफ से हटाना है। यहां हो जाएगा ये 750 और ये हो जाएगा 325। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो केवल सिंगल नंबर एक ऐसा है 25 जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 25। अब सवाल है कि 25 तो नंबर था ही नहीं क्योंकि हमने दशमलव हटाया कितने डिजिट का, टू डिजिट का, तो यहां पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ गया 0.25 फुट। एक तो तरीका ये हो गया, आप आसानी से कर सकते हो, है ना। दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं, फिर ध्यान सुन लीजिए। एससीएफ निकालने का तरीका, आप इसका कॉमन नंबर निकालिए। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो, मान लो कि ये कौन सा एससीएफ का तरीका हो गया, तो आप 750 लिखो, 325 लिखो और इनके पहले फैक्टर बना डालो, जो इनके कॉमन फैक्टर होंगे वही इनको डिवाइड करेंगे। एक तरीका है होता, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आपको लगे वैसे कर सकते हो। वैसे ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, चूंकि सी सेट का क्वेश्चन है ना, सी सेट का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, नॉट द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एसएससी नहीं है, बैंकिंग नहीं है, यह सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी इसमें बहुत समय जाया करने की जरूरत नहीं फार्मूला लगा के, कॉमन सेंस के आधार पर। एक तरीका है हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि एससीएफ अगर मान लिया आपको नहीं आता, अब मैंने कहा भाई आपको दो क्षण दे दी गई, मान लो एक ये क्षण है और एक ये है, दो क्षण दे दिए। अब इसकी लंबाई 3.25, इसकी लंबाई 7.5 फुट और कह रहा है मिनिमम नापना है। अब 3.25 कुछ लोग कहते हैं तोड़ के नाप देंगे, है ना, छोटे छोटे टुकड़े में, ऐसे तो होगा नहीं, वो मेजरमेंट है, टूटेगा नहीं। तो तरीका क्या होता, इसमें देखो छोटा वाला और बड़ा वाला, इनको वन टू थ्री टाइम फोर टाइम मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे देखो अगर हम एक बार 7.5 फुट की ऐसे छड़ रख दें तो यहां से यहां तक की लंबाई नाप लिया, अब हमने 3.25 की भी रख दिया
तो यहां तक आ गई। तो या तो मैं इतनी नाप पाऊंगा या तो इतनी नाप पाऊंगा, यही है ना, हमें मिनिमम नापना है। अब हम क्या करेंगे, 7.5 को दुगुना कर देंगे तो क्या होगा, 7 × 14 = 15 यानी दुगुना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 3.25 को दुगुना करेंगे 6.5 होगा, 3 times करेंगे तो 9 something आएगा, 4 times कर देते हैं तो 4 × 3 = 12 और 25 × 4 = 100 तब भी 13 होगा, 13 अभी भी 2 foot का डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, 7.5 × 3 कर दो, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22 यानी 22.5 foot आपने नाप लिया, इससे 7.5 वाले से 3 बार नाप लिया, 7.5 नाप लिया। अब अगर 3.25 से हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो हम इतनी बार मेजरमेंट करें कि इसके नियरेस्ट पहुंचे, तो 3 × 7 = 21 पे आएगा क्योंकि 3 × 7 = 21 होगा, तो हम यहां लिखें 3.25 × 7। 7 क्यों, 7.5 वाले से 3 बार नाप लिया, 3.25 वाले 7 बार नापेंगे, 7 बार नापेंगे तो क्या होगा, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 = 3, 17, 7 × 3 = 21, 22 कितना आ गया, 22.75। यानी जब हमने 7.5 वाले से 3 times मेजरमेंट किया तो आ गया 22.5, यानी इसको 22.50 कह सकते हैं, और 3.25 वाले से हमने 7 times मेजरमेंट किया तो हमारा आ गया 22.75, यानी वहां तक हम पहुंच गए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 फुट, यानी जैसे 3 बार उसको नापे वो यहां तक गया, इस वाले से 7 बार नापे तो ये यहां तक आ गया, तो जो ये डिफरेंस है ये कितना हो गया, 0.25। ठीक है, आप इन दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते मैं आपको बार बार एक बात समझा दूं कि प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, एल्जेब्रिक अगर लेटर्स यूज किए गए हैं एक्स वाई जेड एबीसीडी तो उनसे आप बिल्कुल ना घबराओ, जैसे ही आप घबराओगे वैसे ही आप बाहर होगे, तो सी सेट घबराहट पैदा करता है और मैं कोशिश करता हूं कि घबराहट आपके अंदर से दूर हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है अनुक्रम यानी सीक्वेंस, अनुक्रम मतलब होता है ऑर्डर, सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्याओं को, सरल गणितीय संक्रिया, सरल गणितीय संक्रिया का मतलब होता है प्रॉपर वे, प्रॉपर वे मतलब जो पहले के साथ जो घटना घटित होगी वही दूसरे तीसरे चौथे पांचवें। अब घटना इसमें क्या घटित होगी, वो कह रहा है कि प्रत्येक में सरल गणित संख्या द्वारा अभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं प्राइम, ठीक है, यानी इन्हीं संख्याओं से हम प्राइम नंबर फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, या तो एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं, बस अर्थे जो एक में होगा वही सब में होगा, एटलीस्ट जो पैटर्न बनेगा वही हमारा आंसर की ओर ले जाएगा। चलिए देखते हैं, 14 तो प्राइम नंबर नहीं है, है ना, 14 से अगर हम प्राइम नंबर लाने की कोशिश करते हैं तो कैसे ला सकते हैं, 14 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 14 से अगर हमें प्लस में जाना है तो 15 होगा नहीं, 16 नहीं होगा, 17 होगा, यानी 14 + 3 करेंगे तो 17 आएगा, यानी दोनों प्रक्रियाएं हम कर सकते हैं एक में 14 में। अब देखते हैं अगली संख्या 18 है, 18 में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या आएगा, 19, यानी 1 एडिशन पे 19 आ गया। अब माइनस देखते हैं, 18 में से -1 कर देंगे तो 17 आ गया, तो भी प्राइम नंबर आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियरिटी से काम लेंगे एग्जाम में, ये तो खैर आ चुका है, इन फ्यूचर आएगा तो थोड़ा सा इसका बदला हुआ स्वरूप होगा, इसका जो पैटर्न है वो चेंज होगा, तो आप कैसे कैच कर पाएंगे, जब आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे इस बात की, जबकि इसको मैं कुछ सेकंड में ही कर सकता हूं, बट मैं आप सबने ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कॉमन मैन जो होगा ना, जिसे कहते हैं कॉमन ब्रेन,
तो जब एग्जाम में आएगा तो कॉमन ब्रेन क्या सोचेगा, ये दो तरीके सोचेगा। अब आप देखिए माइनस वाला तो दोनों में सेम काम कर रहा है यानी माइनस वन, पर प्लस वाली कंडीशन बदल जा रही है यहां प्लस थ्री प्लस वन, यानी सरल गणितीय संक्रिया नहीं है, यानी इक्वल पैटर्न नहीं है, पर माइनस वाला इक्वल पैटर्न हो रहा है। तो अब माइनस वाले को और चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं 14 माइनस वन इक्वल टू 13, 18 माइनस वन इक्वल टू 17, 20 माइनस वन इक्वल टू 19, सारे आ रहे हैं प्राइम नंबर, 24 माइनस वन इक्वल टू 23, 30 माइनस वन इक्वल टू 29, ये भी आ गया, 32 माइनस वन इक्वल टू 31, ये भी आ गया। अब ध्यान से देखो 31 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 32 नहीं होगी, 33 नहीं होगी, 34 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, फिर क्या होगी 37, अगली संख्या क्या होगी 37, यानी अगला प्राइम नंबर होगा 37। अब कह रहा है कि इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे वह संख्या आएगी जिसमें से 1 माइनस करेंगे तो 37 आएगा, का मतलब यही हुआ। तो किस संख्या में से 1 माइनस करेंगे तो 37 आएगा, तो संख्या होगी 38, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी प्रश्न के साथ हमें रिलेट करना होगा, फाइट करना होगा, जब हम फाइट करेंगे तो हम कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। अब देखिए इस प्रश्न को भी करने के लिए हम सामान्य समझ का उपयोग करेंगे, ना तो x मानेंगे, ना वाई, ना जेड, ना कोई फार्मूला, सिंपल सा पैटर्न। तरह एक पुस्तिका है, मान लो हमारे पास एक पुस्तिका है जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या एक से प्रारंभ, यानी ये हमारे पास कोई बुक होगी तो पहले साइड में वन, फिर उसके पीछे टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, सिक्स, ऐसे लिखते हैं। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, ठीक है फाड़ लो, बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग कितना है 195, फटे हुए पन्ने में निम्नलिखित से कौन सी संख्या है, जो पन्ना फटेगा ना बीच से उसके इस साइड में और इस साइड में दोनों साइड में कोई ना कोई नंबर होगा। चलो मान लेते हैं कि अगर पन्ना ना फटा होता तो क्या होता, यही मानना पड़ेगा क्योंकि हम फटे हुए पन्ने तक पहुंचना है। तो अब यहां संख्या दे रहा है 195, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 पेज की कोई बुक होती, एग्जाम्पल के तौर समझा रहा हूं, मान लो 10 पेज की कोई बुक होती, आपको सिंपल वे नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको जनरेट कर लीजिए, और आपसे मैंने कहा कि इनके संख्याओं का योग 195 आ रहा है या समथिंग कुछ भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करेंगे, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ने का एक सिंपल तरीका होता है, जो लास्ट वाली संख्या हो उसमें एक जोड़ दीजिए यानी 11, और दो से भाग दे दीजिए तो कितना आ गया 55। यानी अगर ये बुक 10 पेज की होती तो इसके पेज पे अंकित संख्याओं का योग 55 आता, 55 आता, दैट्स क्लियर। यहां कितना है 195, तो हम मान लेते हैं 195 तक पहुंचने क्या तरीका, मान लेते हैं कोई पुस्तक है जो 19 पेज की है, कितने पेज की 19 पेज की, तो हमने अभी जोड़ने का फार्मूला बताया था, आखिरी संख्या उसमें एक जोड़ दो 20, दो से भाग दे दो। अगर ये बुक 19 पेज की होती तो इसके अंकों का योग 190 आता, 190, यहां पे कितना आ रहा है 195, यानी जो बुक है वो 19 पेज की नहीं, अब एक पेज आगे बढ़ा देंगे, पेज और ऐड करेंगे, अगर उसमें मान लें कि ये बुक 20 पेज की है, कितने 20 पेज की, तो अब इनका एक से लेके 20 तक का एडिशन क्या होगा 210,
अब आप ध्यान से समझिए, अगर ये बुक 19 पेज की होती तो एडिशन 190 होता, पर एडिशन कितना है 195। और अगर ये पुस्तक एक पेज बढ़ा दिया जाए, 20 पेज कर दिया जाए, तो एडिशन होना चाहिए 210। तो 190 ज्यादा है, 210 से कम है, यानी वो बुक जो है वो है तो 20 पेज की, होना कितना चाहिए था 210, पर गलती से कोई एक पेज फाड़ लिया गया, इसलिए अब टोटल एडिशन हो रहा है 195। तो कितना कम पड़ रहा है, 15, यानी टोटल हमें 15 कम पड़ रहा है 15। अब हमें इस ऑप्शन में देखना है किन संख्या से 15 बनेगा, तो 6, 5, 11, 8, 7, 15, 9, 10, 19 और 11, 12, 23। तो बड़े आसानी से हम यहां पहुंच सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्न को हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है ये, इसमें दिया है A, B, A, B, B, C, B, C, D, C, D, C, D, उसके बाद E, D, फिर D, ठीक है। अब अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखें, गौर करें, ABAB यहां दो बार रिपीट करें, यानी 2-3 का कोई चक्कर जरूर होगा। यहां देखो CD, CD, फिर यहां पे ED, ED से एक बात तो क्लियर हो गई कि इस स्थान पे जो भी आएगा वो क्या होगा, E होगा। तो पहला ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, अभी 3 ऑप्शन बचे। अब आप देखिए ED, ED, ये कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। अब 2-3 का पैटर्न चलेगा, AB, AB, यहां आएगा A, ये 3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो अगर ये 3 का कर रहा है वो 2 का कर रहा है, यानी 3-2, 3-2 ऐसे चलेगा। यहां क्या होगा, CB, CB, ये कितने का पैटर्न हो गया, 2 का। यहां पर CD, 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 ये पैटर्न कितने का हो गया, 3 का। तो बन गई अल्टरनेट सीरीज 3-2, 3-2। तो हमें क्या क्या मिला, A मिला, C मिला, C मिला, E मिला, A, CC, E। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हो जाएगा ये भी आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न भी थोड़ा सा समझ पर आधारित है, इसमें भी हमें समझ का ही इस्तेमाल करना होगा तो ही हल होगा। माना कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़ा है, यानी A, B, C, D, E, F में हम कहीं भी 3 या 3 से छोटी कोई संख्या 1, 2 और 3 का उपयोग नहीं कर सकते, यानी 4 से ऊपर की संख्याओं का प्रयोग करेंगे, ये हिंट दिया है। यदि संख्याओं का योग 15920 है तो A और D के मानों के बीच का अंतर क्या होगा, बेसिक न्यूमेरेसी है पर इसको हम कहेंगे दिस इज द जनरल मेंटल एबिलिटी, समझ पर आधारित। चलिए शुरू होते हैं, हमने यहां लिखा A, 3, B और C, इसमें हमें जोड़ना है D, E, 2, F। अब इसको जोड़ेंगे तो संख्या क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए 2, 0, 9 और 50, ये आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, 2 इज ए यूनिट डिजिट, यानी सी और एफ दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको एडिशन करने पे 2 आना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में खुरापात आएगी, 2 और 0 ले ले, 1 और 1 ले ले, ऐसा नहीं है, उसने कहा है ना
तीन से बड़े भिन्न अंक को दर्शाते, यानी तीन के नीचे तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। तो अब तीन से नीचे बात नहीं हो सकती, तो टू जो आया है ये 12 से आया होगा, कितने से आया होगा, 12 से। अब 12 लाने के हमारे पास दो तरीके हैं, 7 और 5, 8 और 4, ये दो संख्याएं से हम 12 ला सकते हैं, क्योंकि 7 और 5 और 4 और 8 ये दोनों 3 से बड़े हैं। चलिए, अगर हम 7 और 5 लेंगे तो कहीं भी 7 रखें, कहीं भी 5, कहीं 7 रखिए, कहीं 5, दैट इज नॉट इश्यू। तो मान लो 7 5 रखा, तो 7 5 12 12 आ गया, 2 रख दिया, 1 कैरी हो गया। अब 1 कैरी हो गया तो ये 2 है, 2 + 1 + b, यहां क्या आया है, 0। 0 कब आएगा, जब ये 10 होगा, तभी तो यूनिट डिजिट 0 रखे और 1 कैरी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आएगा 10, तो 2 1 3, 3 में कितना जोड़े कि 10 आए, यानी 7, यानी b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 7। और यहां हमने c और f को भी 7 ले रखा है, इसका मतलब 7 और 5 हम नहीं ले सकते, किसको, c और f को। तो c और f के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 4, तो 8 4 12, कैरी 1, 2 और 1 कैरी 3, और b की जगह क्या हो जाएगा, 7 7 2 9 1 10, फिर कैरी 1, 1 3 में ऐड होगा, तो 3 1 4, 4 में कितना जोड़े कि 9 आए, 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ओ सॉरी, 4 में जब हम 5 जोड़ेंगे, सॉरी 5, 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आ गया। अब a और d, अब तक हम क्या यूज कर चुके हैं, 8 मिल गया, 4 मिल गया, 7 मिल गया, 5 मिल गया, इन संख्याओं का हम प्रयोग कर चुके हैं। अब हमारे पास दो ही संख्या बचती है, 9 और 6, या 6 और 9, यहां 9 हो, यहां 6 हो, यहां 6 हो, यहां 9 हो, 6 और 9 का एडिशन क्या आएगा, 15। यानी a और d की वैल्यू 9 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। प्रश्न में क्या कह रहा है, a और d के मानों के बीच का अंतर क्या होगा, यानी जो a और d की वैल्यू है, उसने नहीं कहा a माइनस डी या d माइनस सी, ध्यान देना, यूपीएससी ऐसे ही झटका देता है, कुछ लोग सोचेंगे ये सब पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, उसने कहा मानों का डिफरेंस, नाम यूज किया है, तो नाम यूज करने से पहले वाला पहले साइड में, दूसरे वाला दूसरे साइड में नहीं हो जाएगा। इन 9 6 में से कोई भी ए हो सकता है, कोई भी डी, तो 9 - 6 = 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये डेटा सफिशियंसी से संबंधित है, यानी आंकड़े पर्याप्त है कि नहीं है इससे संबंधित है। पढ़िए, 2 कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं, जिनके उपरांत एक प्रश्न है, तो ऐसे में सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं, यानी कोई एक पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में कह रहा है, हमें पहले से नहीं पता उसमें क्या है, उसने कहा क्या इसमें 100 से अधिक रेखा चित्र हैं, इस बात का पता लगाने के लिए हमारे पास क्या क्या आंकड़े होने चाहिए, मतलब दिए हुए आंकड़े सफिशियंट हैं या नहीं सफिशियंट है, केवल पहला या केवल दूसरा या दोनों साथ में या दोनों बेकार है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है, किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं, यानी पृष्ठ पे 2 से अधिक नहीं है, तो अगर मान लें कि हर एक पे, जिसे कहते हैं 2 से अधिक चित्र नहीं है, तो अगर हर एक पे 2 है तो 102 होगा। कह रहा है 2 से अधिक नहीं है, 2 से अधिक नहीं का मतलब 2 से कम हो सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, हो सकता है एक भी ना हो, तो हो सकता है अगर एक एक हो,
तो ये 51 ही होगा। हो सकता है 51 में कुछ ऐसे हो जिसपे दो हो, कुछ पे एक हो, कुछ पे एक भी ना हो, यानी केवल इसके आधार पर तो हम आंसर नहीं दे सकते। फिर कह रहा है प्रत्येक पृष्ठ पे कम से कम एक रेखा चित्र है। चलो मान लेते हैं 51 पृष्ठ की पुस्तक है, प्रत्येक पृष्ठ पे कम से कम एक है, कम से कम एक है, तो हो सकता है कि एक ही एक हो सब पे, और हो सकता है किसी पे पांच हो, किसी पे सात हो, किसी पे दस हो, यानी दोनों कंडीशन हो सकती है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया, यानी दोनों से हम निकाल नहीं सकते। S1 और S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त क्यों ना, तो अकेला S1 और नहीं अकेला S2 प्रत्येक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल गलत, अकेला S1 प्रश्न देने के लिए पर्याप्त उत्तर देने, ये भी गलत। S1 और S2 एक साथ मिलकर भी प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात ये जो आंकड़ा दिया है यहां से कुछ भी हो सकता है। यहां से हम डेफिनेट तौर पे यानी निश्चित तौर पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जो पुस्तक है ना क्या, इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है, 100 से अधिक रेखा चित्र है, यह बात कंफर्म नहीं कही जा सकती। दोनों आंकड़े अलग अलग भी नहीं करा सकते, दोनों को साथ लेने पे भी नहीं हो सकता, अलग अलग संभावना के द्वार बने रहेंगे। आंसर का मतलब होता है डेफिनेट आंसर, तो हम कर नहीं सकते, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं, 18 नंबर को। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए, अंग्रेजी माध्यम में प्राप्तांक, हिंदी माध्यम में प्राप्तांक। लड़कियां अंग्रेजी माध्यम में 9 पाती हैं और हिंदी में पाती हैं 8। लड़के अपने अंग्रेजी में पाते हैं 8 और हिंदी में पाते हैं 7। अब लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है ये नहीं दिया उसने, उसने कहा उन कुल मध्य प्राप्तांक यानी उनका जो एवरेज है वो क्या है 8.8 है। तो लड़कों के बारे में पूछ रहा है, मतलब ये हिंदी माध्यम के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब इस कंडीशन में यहीं से हम उठाएंगे, यहां लिखेंगे गर्ल यानी लड़की और यहां लिख देंगे बॉय, लिख दिया। अब लड़कियां कितनी है 9, लड़कियों का मध्य प्राप्तांक है, और लड़कों का अंग्रेजी में कितना है 8, और इन दोनों का माध्य प्राप्तांक कितना है 8.8। इसका मैं एक सिंपल सा तरीका आपको सिखा रहा हूं, यहां लड़कियों का अंग्रेजी में लिख दिया, यहां लड़कों का अंग्रेजी, जी मतलब गर्ल, बी मतलब बॉय, ध्यान देखना। अब ये इनका माध्य है, चलो माइनस करते हैं, 9 में से 8.8 घटाने यहां आएगा 0.2, 8.8 में से 8 घटाएंगे तो यहां आएगा 0.8, पॉइंट दोनों तरह से हटा दो तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1, यानी 4:1 अनुपात रेशियो क्या आ गया 4:1, यानी इस मत ये जो दिया है ना कुल माध्य प्राप्तांक और ये जो इनके दिए है माध्य प्राप्तांक अलग अलग लड़कियों लड़कों के, इसके आधार पर यह पता चलता है कि लड़के और लड़कियों की संख्या 4:1 के अनुपात यानी 4:1, लड़कियां हैं 4 और लड़के हैं 1, तो ये आएगा। ये हो गया अंग्रेजी वाला, अब हम आते हैं हिंदी वाले पे, है ना, ये है लड़कियों की संख्या मतलब प्राप्तांक है और इन लड़कों का प्राप्तांक, तो लड़कियां कुल कितनी है अनुपात के हिसाब से 4, अनुपात लड़कियों के क्या हो जाएगा 4, तो 4 लड़कियां प्राप्तांक है 8, तो हम लिख देंगे 4×8 प्लस लड़के हैं, लड़कों का प्राप्तांक क्या है 7 और लड़कों की संख्या क्या होगी लड़कियों के अनुपात में 1, 7×1 8×4=32 और 7 कितना आ गया 39, टोटल इनका क्या आ गया 39। अब लड़कियों की संख्या हमने क्या ली है 4 और लड़के क्या होंगे 1, यानी 4:1 का रेशियो, तो 4 और 1 कितना होता है 5, हमें एवरेज निकालना है तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5×7=35, 5×8=40, 7.8 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आसानी से हम यहां से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न है हमारे सामने, एक परिवार की दो पीढ़ियों के 6 सदस्य, याद रखना पीढ़ियां केवल दो हैं, 3 पीढ़ी नहीं होगी और सिंगल भी नहीं है, दो पीढ़ी में ही एडजस्ट करना है।
पी क्यू आर एस टी यू में तीन पुरुष हैं और तीन महिलाएं, तीन पुरुष होने चाहिए और तीन महिलाएं, उनमें दो विवाहित जोड़े हैं, दो मैरिड कपल भी होने चाहिए। अब दो मैरिड कपल कहां कहां मिल सकते हैं? सेकेंड वाली रो में और एक ऊपर वाली रो, एक यहां मिलेगा एक यहां मिलेगा, क्योंकि ऊपर तो विवाह होगा ही होगा, नीचे भी होगा, हो सकता है ऊपर ही दो उनके नीचे एक हो, देखते हैं। और दो अविवाहित सहोदर है, सह सहोदर, सहोदर का मतलब सह उदर, यानी एक ही गर्भ से पैदा हुए भाई और बहन सहोदर कहे जाते हैं, यानी एक ही मां की संतान सहोदर कहे जाते हैं। यूपी की पुत्री है, यू जो है पुत्री है किसकी? पी की, ये नीचे की लाइन में आ गई। क्यू आर की सास है, सास है, सास मतलब हमेशा ऊपर होगी क्योंकि दो ही है, तो क्यू जो है आर की सास है, ये है क्यू, ये सास है किसकी? आर की, आर भी कोई है, कौन है देखते हैं। टी अविवाहित पुरुष है, टी का विवाह नहीं हुआ है, इसका भाई होगा, टी अविवाहित पुरुष है और ये महिला है, तो क्या हो जाएगा? पुरुष, एक विवाहित जोड़ा तो हमें यहां मिल गया, ये भाई बहन हो गए। एस एक पुरुष है, एस यहां आएगा, एस एक पुरुष है, ठीक है, तो एक दो तीन पुरुष हो गए, तो आर क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी, आंकड़े बन गए, क्योंकि उसने कहा ना तीन पुरुष होंगे तीन महिलाएं होंगी। अब प्रश्न पूछ रहा है तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? आर यू का पति है, आर यू का पति है नहीं, आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, इसको हम इसीलिए टैकल कर पाए क्योंकि हमें पता है ना कि तीन मेल हैं तीन फीमेल हैं, और याद रखना पीढ़ियां दो हैं। अगर इस प्रश्न को गहराई से नहीं समझेंगे फिर आप इस डायग्राम को बना नहीं पाएंगे, फिर मुश्किल आएगी, और इसीलिए उसने एक जुगाड़ और कर रखा है कि जिन लोगों का ये ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध अच्छा ना हो उनका इंतजाम ऑलरेडी उसने कर रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और मैक्सिमम लोग जो इस आंकड़े को नहीं समझेंगे कि तीन मेल हैं तीन फीमेल हैं दो जनरेशन है, तो जनरली कहां चले जाएंगे? अपने वाले फेवरेट ऑप्शन, ऑप्शन डी में। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। कह रहा है यदि किसी वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? जनवरी, कौन सी जनवरी है? 12 जनवरी। अब जिन विद्यार्थियों ने मेरी क्लासेस ली हैं कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन में कैलेंडर टॉपिक पढ़ा है उनको मैंने एक कोड याद कराया था, उस कोड में 144 025 036 146, मैंने कहा था जनवरी के दो कोड होते हैं, वन होते हैं जीरो होते हैं, तो जनवरी का कोड वन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होता है? जब अधिवर्ष होगा यानी लीप वर्ष होगा, और एक कब होगा? जब सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। और आपको यह भी सिखाया था कि किसी भी वर्ष के कौन कौन से महीने होते हैं जो रिपीट करते हैं अपने आप को। यदि 12 जनवरी को रविवार है तो 15 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, अगर वर्ष अधिवर्ष होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जनवरी कोड भी जीरो होगा, जुलाई का ऑलरेडी जीरो होता है, तो अगर 12 जनवरी को रविवार होगा तो फिर 12 जुलाई को रविवार होगा, 15 को नहीं, सो ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। 15 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है, इस आधार पे हम अभी कह नहीं सकते क्योंकि टैली नहीं करेगा ना, एक अधिवर्ष नहीं है तो 15 जुलाई को रविवार होगा ये नहीं कह सकते। कारण क्या है कि जैसे अगर अधिवर्ष तो जनवरी और जुलाई का कोड तो समान होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 12 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, बिल्कुल, अगर वर्ष अधिवर्ष है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? जीरो। जुलाई का भी क्या होता है? जीरो। तो जुलाई और जनवरी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्लासेस में पूरे कॉन्सेप्ट सहित मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने सीखा होगा और उनको पता भी है। आगे बढ़ते हैं,
फिर आ गए हम कॉम्प्रेंशन की दुनिया में। चलिए, निजी निवेश सामान्यतः चपल है, विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है क्योंकि उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफी अधिक है, अर्थात समूचा संसार। इसलिए रोजगार देने का दायित्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता। सांप्रतिक एफडीआई अंतर्वाह सभी समय और सभी सेक्टरों तथा क्षेत्रों के संदर्भ में चपल होता है, जो उनके अधिकतम प्रतिफल की तलाश की आवश्यक परिणाम है। अस्थिर रोजगार और आय एवं क्षेत्रीय असमानताओं का प्रबलन उसके दुष्परिणाम है। विदेशी निवेश का एक संभावित सकारात्मक परिणाम है कि नई प्रौद्योगिकी का अंतर्वहन और उसका अनुवर्ती विसरण। तथापि प्रौद्योगिकी विसरण एकदम सुनिश्चित नहीं है क्योंकि विसरण के लिए भारत में भौतिक एवं मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त है। ठीक है, ये लाइन बोल रहा है, यह है प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। दीर्घ काल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से सही नीति नहीं है। बिल्कुल ये बात सही कहा है। ठीक है, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश की चपलता को कम कर दें, ये बात नहीं कह रहा। ठीक है, घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए, ये बात भी कही गई है। निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल नहीं कही गई। चार नंबर तो बिल्कुल नहीं कहा गया। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, ये इस अवधारणा का हिस्सा है। तो एक, तीन और पांच ऑप्शन इज द राइट। देखो सी और ए तो ऐसे भी कट जाएंगे, जब चार नंबर गलत हो गया तो सी और ए अपने आप कट गया। यहां पे कह रहा है केवल तीन, केवल तीन के अलावा पहला वाला तो डायरेक्ट क्लियर हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप हल कर सकते हो, ये तरीका भी होता है हल करने का। अगर एक गलत हो गया है तो अन्य के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, प्रतिवर्ष जून से सितंबर के चार महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रवाहों के अत्यधिक विषम ऋतुनिष्ठ एवं स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है। चूंकि इन कुछ महीनों में अधिकांश वृष्टि होती है एवं परिणामतः स्वच्छ जल उपलब्ध होता है, जलाशयों में वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता और बाद में वर्ष भर उपयोग हेतु छोड़ना एक ऐसी अनिवार्यता है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। जलवायु परिवर्तन मौसम की स्थितियों को सदा प्रभावित करता रहेगा और जल की अल्पता तथा इसके अधिक को उत्पन्न करेगा। जहां लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित हैं, वहीं देश की कई नदियों में पानी अप्रयुक्त बहता रहता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है, मतलब जल को जिसे कहते हैं ना पानी बर्बाद करना, जल का बर्बाद होना। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भारत के दृष्टि से, अब ध्यान देना, सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ हो सकता है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नहीं, नदियों के अंतर संबंध को प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों और नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए, कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। तीसरा तो बिल्कुल गलत है। कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए, यह भी गलत है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए, यह भी गलत है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों एक बार में ही गलत है। अब कह रहा है सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ क्या हो सकता है। जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों और नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए, इससे दुनिया नहीं बदलेगी। ठीक, नदियों के अंतर संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए, पहला।
नीचे देखिए कूड का प्रयोग करके सही उत्तर एक दो दो चार पांच एक तीन और चार दो तीन और पांच। एक तो एकदम कंफर्म है और एक के साथ फिर अटैच कौन होगा दो, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं परिच्छेद नंबर तीन। जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी लोग शिक्षा में निवेश करें। बड़े ध्यान से पढ़ना। इस प्रत्यक्ष कारण की वजह से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही शिक्षा से प्राप्त होने वाले लाभ भी बढ़ जाता है। निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक बढ़ते स्तर से प्राप्त बढ़ी हुई आय के अधिकांश भाग को अपने पास रखने की अनुमति होती है तब शिक्षा में निवेश एक अच्छी सूझबूझ की बात होती है। दूसरी ओर जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर और ऊंची दरों पर कर लगाने का निर्णय लेती है तब स्वयं को अधिक शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं लगती। यही प्रोत्साहन उन अभिभावकों पर भी लागू होता है जिन्हें यह निर्णय लेना है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या ना करें। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी होती है ना, उसी आधार पर दिया जा रहा है। यह है इसमें कह रहा है उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद रूप से उच्च शिक्षा में अधिक निवेश करने के लिए परिणित हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि हम इनकम मतलब टैक्स कम ले रहे हैं तो लोग जो पूंजीपति हैं वो एजुकेशन में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल गलत। बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यह जरूरी नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है, यह बात बिल्कुल कही गई है। आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि जो एजुकेशन फील्ड में जब उन्हें फ्रीडम होगा, टैक्स कम लगेगा और लाभ कमा सकेंगे, फिर वो क्या करेंगे, एजुकेशन भी लगाएंगे, एजुकेशन भी लगाएंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, तो क्या निर्माण होगा, मानव पूंजी का निर्माण होगा। तो केवल तीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24। जब तक वित्तीय तंत्र स्थापित न हो जाए तब तक हमारे शहरी निकाय संभवतः हमारे शहरों में जलापूर्ति की धारणी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते। जलापूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों से जल संचित करने, उसे पीने योग्य बनाने की अवक्रिया तथा उपभोक्ताओं द्वारा उसकी आपूर्ति करने के लिए पाइपों के जल वितरण नेटवर्क बिछाने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। उसमें मल प्रबंधन, अधसंरचना एवं मल जल अभिक्रिया संयंत्रों में भी निवेश की आवश्यकता होती है। वो जो फिल्टर करते हैं ना, जो टॉयलेट का पानी जाता है, इसको फिल्टराइजेशन के जैसे गैस वगैरह बनाना या उनका यूटिलाइजेशन करना आवश्यक, जिसमें मल प्रणाल अवशिष्ट जल को इन संयंत्रों तक ले जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि असंसाधित मल जल प्राकृतिक जल निकायों में बिल्कुल ही न छोड़ा जाए। यानी अगर पूरी तरह से शोषित नहीं हुआ है गंदा पानी, तो जंगली लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं जगह पर शहरों में आप देखो ना, वो ड्रेनेज सिस्टम देखिए आप, कहीं कहीं जितने भी बड़े शहर हैं उनके किनारे आप देखिए नदियों में, तो बहता रहता है गंदा, सब वहीं शीवर लाइन भेज देते हैं। कह रहा है जिसमें मल प्रणाल अवशिष्ट जल को इन संयंत्रों तक ले जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि असंसाधित मल जल प्राकृतिक जल निकायों में बिल्कुल ही न छोड़ा जाए। प्राकृतिक मतलब नदियों में, कुओं में तक, ये क्योंकि प्राकृतिक स्रोत है, यहां तक न पहुंचे। यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते कि वो पूरी लागत को वहन कर सकते तो जल की निःशुल्क पूर्ति की जा सकती, वे ऐसे नहीं है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है ये। अब इसमें कह रहा है परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तार्किक और निर्णायक संदेश क्या है, मैसेज। शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। होल्ड पे कर लेते हैं।
शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है, यह बात नहीं कही गई है। हमारे शहरों में जल का अभाव एक चिर अस्थाई समस्या है जिसका समाधान संभव नहीं है, गलत। हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से यह बिल्कुल आवश्यक है कि शहरों में जनसंख्या का एक अधिकतम आकार निर्धारित कर शहरों की जनसंख्या को सीमित किया जाए, यह भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये प्रश्न में कह रहा है उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है, ठीक है। केवल धनी शहर ही जल्दी धारणा और पूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं, यूपीएससी आपको जीने का रास्ता भी देता है। जैसे एक बच्चे ने लिखा था सर अब केवल किंतु परंतु अवश्य असंभव ये शब्द नहीं देता, ऐसा नहीं है। आपने कभी ध्यान से देखा नहीं होगा कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि हर जगह मतलब 27 तक पहुंचाने का यूपीएससी प्रयास करता है, पर किनको, जो समझदार हैं। बाबाओं को तो ऐसे भी कोई नहीं पहुंचा सकता, तो थोड़ा सा समझदारी तो दिखाना पड़ेगा। तो पहला तो कैंसिल, शहरों में जल की धारणी आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक है, बिल्कुल। शहरों में जल की धारणी आपूर्ति का अर्थ है कुटुंब बंधु परिवारों को जल आपूर्ति करने से कहीं अधिक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। केवल था कट गया, ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्नों में केवल अवश्य किन और असंभव मिल जाएगा, निश्चित ही मिल जाएगा, काम बन जाए सब में मिल जाएगा, फिर तो फिर यूपीएससी नहीं रह जाएगा, पर कहीं ना कहीं मिलेगा कि आपको 27 तक पहुंचाने में यूपीएससी मदद जरूर करता है। अगला देखते हैं, भारत में अभी भी लगभग 50% कामगार कृषि में विनियोजित हैं तथा लगभग 85% खेत छोटे और सीमांत हैं। चीन और वियतनाम की तुलना में जहां तेज गति से संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन हुए, भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है। परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी हार चीन और वियतनाम की तुलना में 1988-2014 के बीच बहुत धीमी गति का था। भारत का गरीबी ह्रास 1988-2005 के बीच धीमा था, परंतु 2005 से 2012 के दौरान यह नाटकीय गति से बढ़ा, पूर्व के काल की तुलना में 3 गुना तेज गति से। इस काल में भारत ने क्या किया, सोच से पता चलता है कि सापेक्ष कीमतों का दृश्य लेख बढ़ती वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित हुआ, 50% से भी अधिक। इससे कृषि में निजी निवेश में 50% से भी अधिक बढ़ा, परिणाम स्वरूप कृषि जीडीपी की वृद्धि ने 2002 से 2007 के 2.4% के मुकाबले 2007 से 2012 में 4.1 के स्तर को छुआ। कृषि व्यापार के निवल अधिशेष ने 2013 से 2014 में $25 बिलियन के स्तर को छुआ। वास्तविक कृषि मजदूरी 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी। इन सब के कारण गरीबी में परिवर्तन है। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। चलिए देखते हैं, जब कृषि जोत मूलतः छोटे और सीमांत हो तब संरचना तो ग्रामीण परिवर्तन असंभव है, पहला गलत, हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है, ये बात बिल्कुल कही जा रही है। 26 में दूसरा नंबर वाला पॉइंट कहा जा रहा है, ठीक है। भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों जैसे कि पशुधन और बागवानी के लिए मूल्य श्रृंखलाओं को बनाने की आवश्यकता है, जाहिर सी बात है वैल्यू चेन बनेगी तभी ये होगा। अब कुछ कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर ये तो आर्टिकल में था ही नहीं, गद्यांश में था ही नहीं, ये अवधारणा पूछ रहा है बेटा। अवधारणा का मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो मतलब उसके दिमाग में कौन सी बातें थी कि उसने ये आर्टिकल लिखा। कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत की गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक हैं, ये चौथा गलत है। तो दो और तीन,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी संबंधी देखते हैं एक प्रश्न और है। निम्नलिखित में कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? क्रांतिक संदेश मतलब रिजोल्यूशन करता है। निकट भविष्य में भारत की गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषक ग्रामीण रोजगार सृजित करना चाहिए। भारत को बड़े पैमाने पर कृषक उत्पाद कंपनियों को सृजित करना चाहिए। कृषि में लोक निवेश की तुलना में निजी निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है। समावेशी कृषि विकास ये मुख्य समाधान है। अब आप यहां से आसानी से पूछ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 28। चार संख्याओं P, Q, R, S के संबंध में दो कथन S1, S2 तथा उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। अब कॉम्प्रेंशन के बाद यह प्रश्न फिर आ गया डेटा सफिशियंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता का। याद रखना डेटा सफिशियंसी कोई टॉपिक नहीं है। डेटा सफिशियंसी जनरल मेंटल एबिलिटी से भी हो सकता है, एनालिटिकल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग से भी हो सकता है, बेसिक न्यूमेरेसी से भी हो सकता है। यानी आपको प्रश्न को देख करके यह नजर लगाना है कि इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर निकालने के लिए दिए गए डेटाज में से कौन से सफिशियंट है, या दोनों सफिशियंट है या दोनों अनसफिशियंट है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है चार संख्याओं P, Q, R, S में कौन सा बड़ा है, इन चारों में कौन सा बड़ा है। पहले हम पहला आंकड़ा देखेंगे, R, P और Q से बड़ा है। R जो है बड़ा है किससे, P से और Q से। यानी S1 जो दिया है स्टेटमेंट 1, इसके आधार पे हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा, अगर हम केवल S1 ले तो, अगर केवल S2 ले तो कह रहा है यस सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। S अगर सबसे बड़ा नहीं, अगर हम केवल S2 देखें तो यस सबसे बड़ा नहीं, इसके आधार पे भी हम नहीं बता सकते कौन सबसे बड़ा है। लेकिन अगर दोनों लें तो क्या होगा, अगर दोनों को लें तो क्या होगा, R जो है P से भी बड़ा है और Q से भी बड़ा है, ये ऊपर रख दिया, बड़ा है तो ऊपर ही होगा। अब R से बड़े P और Q तो हो नहीं सकते, एक व्यक्ति हो सकता था S। S के बारे में कह रहा है वो सबसे बड़ा नहीं है, यानी S भी इसी दुनिया में कहीं ना कहीं होगा, R के नीचे ही होगा। अर्थात S1 और S2 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मिलकर के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कहां है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु ना तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब कह रहा है दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है, यदि N 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो N क्या है। यदि N यानी कोई संख्या है, 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो N क्या है। 10 और 20 के बीच संख्याएं क्या होंगी। अब कह रहा है N एक अभाज्य संख्या है, N को 4 से विभाजित करने पे एक शेष आता है, 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या। ठीक है, N एक अभाज्य संख्या 10 और 20 के बीच में, तो 11, 13, 17 और 19 ये चार संख्याएं होंगी 10 से लेके 20 के बीच में, अभाज्य संख्याएं, तो एकमात्र संख्या तो ये भी नहीं है। दूसरा, N को 4 से विभाजित करने पे शेष एक आता है, यानी इनमें से अगर एक संख्या कोई ऐसी हो, चलो लेते हैं, तो इनमें से 11 को 4 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, 13 को 4 से भाग देंगे तो भी एक शेष आएगा, 17 को 4 से भाग देंगे तो भी एक शेष आएगा। यानी एकमात्र संख्या नहीं बताई जा सकती। अगर हम आंकड़ा 1 और 2 दोनों ले लें तो भी हम किसी भी स्थिति में एकमात्र संख्या बताने की स्थिति में नहीं। आप यहां देखिए,
टेन और ट्वेंटी के बीच में ये आते हैं, ठीक है। तो चलिए एस वन अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, गलत। अकेले उत्तर देने के पर्याप्त है, ये दोनों कथन एस वन एस टू एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है ना, तो ये अकेला, ये भी गलत, क्योंकि अगर दोनों कथन हम साथ भी ले लेंगे तो भी एकमात्र प्राकृतिक संख्या नहीं ला पाएंगे ना, फिर भी तेरह और सत्रह दो संख्या आएंगी। एस वन और एस टू एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं के संबंध में कथन S1 S2 नीचे दिए गए हैं, उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न पूछ रहा है वे संख्याएं क्या हैं, उनका गुणनफल 21, अगर S1 ले ले S1 तो गुणनफल 21 किसका किसका होता है, 21 और 1 का भी गुणनफल 21 होगा, 21 गुणित 1, और 3 और 7 का भी गुणनफल क्या होगा, 21। तो कह रहा है ना वे दो संख्याएं क्या है, तो ये दो संख्या 21 एक भी हो सकते हैं, 3 और 7 भी हो सकते हैं, यानी केवल S1 से हम उत्तर नहीं दे सकते। दूसरा कह रहा है उनका योग 10 है, तो योग 10 तो बहुत का हो सकता है, 1 और 9 का हो सकता है, 2 और 8 का भी हो सकता है, तो अकेला ये भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 3 और 7 इनका गुणा 21 भी होगा, और 3 और 7 को ऐड कर दिया जाए तो इनका क्या होगा, 10 भी हो जाएगा। यानी वे दो संख्याएं क्या हैं, इसका उत्तर देने के लिए दोनों कथन हमें लेना पड़ेगा, S1 और S2 भी। तो ये गलत, ये गलत, दोनों कथन S1 S2 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के पर्याप्त, किंतु न तो अकेला S1 न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर हो तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। जब भी कभी डायरेक्शन का प्रश्न आए तो आप सबसे पहले प्लस बनाओ, यहां लिखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बना दिया। अब इस प्रश्न में ध्यान देने की बात है कि जो उसका घर है उसके घर का मुख क्या है, पूर्व की ओर है, यानी उसका घर यहां बना हुआ है ऐसे, ये दरवाजा है क्योंकि पूरब इधर ही होगा, ये दरवाजा है। अब कह रहा है व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, तो ये पीछे से चला कितना चला, 25 मीटर, बना दिया। अब उसका फेस इधर है 25 में, फिर दाहिने मुड़कर 50 में, दाहिना किधर होगा, इधर, दाहिने मुड़कर कितना चलता है, 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर, बाया किधर होगा, इधर, बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, कितना, 25 मीटर चलता है। अब वो व्यक्ति यहां आ गया है, यदि वो अपने घर का मुख पूर्व की हो तो अपने घर से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। अब जब दिशा निकालनी हो तो उसका तरीका आप देख लीजिए, जहां से दिशा निकाल ली हो वहीं पे ये प्लस उठा के रख दीजिए, कौन सा प्लस, ये वाला, तो कहां से पूछ रहा है, घर से, तो यहां पर ये प्लस बना के रख दिया, ये बना दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां से ये निकालना है कौन सी दिशा होगी। अब ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, दिशा क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दो कथन दिए जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए हैं, कथन क्या है, सभी संख्याएं दो से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं तीन से विभाज्य हैं। निष्कर्ष है सभी संख्याएं छह से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं चार से विभाज्य हैं। ठीक है, ये कथन है,
बिल्कुल वो न्याय निगमन में सिलोजिज्म पढ़ते हैं, तो उसी के तरह नंबर के साथ उन्होंने सिलोजिज्म बनाया, लेकिन इसमें सिलोजिज्म नहीं लगेगा, इसमें समझ लगेगी, सिलोजिज्म नहीं समझ। समझ क्या लगेगी? सभी संख्याएं दो से विभाज्य है, सभी संख्याएं तीन से विभाज्य है, तो पहले हमें यह पता करना है कि मिनिमम वो कौन सी संख्या होती है, दो और तीन दोनों से विभाज्य होगी, तो मिनिमम वो संख्या होती है छह, छह से नीचे वाली, दोनों से विभाज्य, अलग अलग हो विभाजित लेकिन एक ही नंबर दोनों से विभाजित ऐसा नहीं, छह होगा, बारह, तो आगे बढ़ते चले जाओ। अब जाहिर सी बात है, निष्कर्ष नंबर एक, सभी संख्याएं छह से विभाज्य होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि छह के टेबल में ही होंगी संख्याएं, छह बारह अठारह चौबीस तीस छत्तीस, सारी संख्याएं छह से विभाजित होंगी, क्योंकि तीन दूना छह, इन्हीं के पहाड़े में, इन्हीं के टेबल में, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। निष्कर्ष दो, सभी संख्याएं चार से विभाज्य है, चार से ये नहीं होगा ये हो जाएगा, ये नहीं होगा ये हो जाएगा, तो यानी सभी संख्याएं चार से विभाज्य नहीं है, तो निष्कर्ष पे आते हैं। केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये प्रश्न, नीचे दो कथन दिए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां काली हैं, आइए निकालते हैं। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी बिल्लियां काली हैं, तो सभी बिल्लियां काली हैं। अब यहां समझदारी वाली बात है, ये जो बिल्लियां हैं ये कुत्ते भी हैं, यही बिल्लियां काली भी हैं, तो अब काली कहां कहां हो सकता है, बिल्ली के ऊपर ही होगा, लेकिन कुत्ते और काली का कोई कनेक्शन नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो दो रास्ते हमारे पास, एक तो हम ऐसे बना लें और दूसरा हम बना लें बिल्ली काली और कुत्ते, ये तीन तरह के डायग्राम हमारे बन सकते हैं, क्योंकि बिल्लियां काली भी हैं और बिल्लियां कुत्ते भी हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्ली का कोई सीधा कनेक्शन नहीं, तो दो बातें हो सकती, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली दोनों, कुत्ता और काली दोनों होंगे तो बिल्ली के ऊपर ही, लेकिन अब कुत्ता पहले होगा या काला पहले होगा ये नहीं पता, तो दोनों संभावनाएं रख दिया। अब जो तीनों जगह से सेटिस्फाई कर जाएगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। सभी कुत्ते काले हैं, यहां से कुत्ते काले हैं पर यहां नहीं है, यहां है, तो पहला वाला गलत हो गया। कुछ कुत्ते काले नहीं है, कुछ कुत्ते काले नहीं, केवल यहां से सही हो रहा है, इन दोनों जगह से गलत हो जा रहा है, ये भी गलत हो गया। लेकिन एक खास बात है, कुत्ते के नीचे कुत्ता है, काले के नीचे काला है, यहां हा है यहां ना है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री तो है और डायगोनल भी बन रहा है, यानी निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है या तो पहला सही है या दूसरा, लेकिन इसके बाद भी ये तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है या तो पहला सही या दूसरा, लेकिन यूपीएससी ने ऑप्शन में क्या किया, केवल निष्कर्ष एक सही है गलत, केवल निष्कर्ष दो सही है ये भी गलत, न तो एक न ही एक निष्कर्ष सही है और दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है, ये तो बिल्कुल गलत क्योंकि दोनों सही नहीं है। अब सवाल ये है, कह रहा है न तो एक न तो दो, न तो एक और न तो दो, अब इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, अगर दिया होता तो वही ऑप्शन सही होता, लेकिन अगर वो नहीं दिया है तो इंडिविजुअल यानी अकेले अकेले ना तो एक सही है और ना ही दो, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए बाप, ये यूपीएससी की स्टाइल है, यूपीएससी ऐसे ही करता है, ठीक है। अब यह है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए, ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है, विषम संख्याओं के बाद विषम, तो पांच के बाद एक आया, एक जोड़ा ए हुआ, सात के बाद तीन आया, दो,
तीन के बाद नौ, तीन हो गया, पांच के बाद सात, चार हो गया, तीन के बाद एक, पांच हो गया, एक के बाद पांच, छह हो गया, आठ छह तीन आठ, बस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना जैसे 315 है ना, तो तीन विषम संख्या है, इसके बाद विषम संख्या एक है, फिर एक भी विषम संख्या, उसके बाद भी विषम संख्या पांच है, तो अपने आप दो जोड़े बन जाएंगे। ये इसीलिए देता है, क्या व्यक्ति जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है क्या उसके पास इतनी समझ है कि वो उसके साथ काउंट होगा। तो जो ये समझदारी से काम लेंगे उनका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पे, ए बाएं छोर से 16वें स्थान पे है, वी दाहिने छोर से 18वें स्थान पे है, जी ए के दाई ओर 11वें और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। जब भी कभी रैंकिंग का प्रश्न आए घबराओ नहीं, अपना जिधर फेस हो आप अपने लेफ्ट से अपने राइट से उनको चलाओ। चलिए चलाते हैं। लड़कों के पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है, यह है अपना ए, यह है 16वां, बाएं छोर है ये ना इधर से, और कह रहा है वी दाहिने छोर से 18वें स्थान पे है, जो वी है वो दाहिने छोर से 18वें स्थान पे है। ठीक है, अब कह रहा है जो जी है ए के दाई ओर, ए का दाया किधर होगा, इधर, ए के दाई ओर 11वें और वी से तीसरे स्थान पे दाहिनी छोर, तो वी का दाहिना भी किधर होगा, इधर तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, ये है जी। तो ये अगर इधर से 18 है तो ये 17, ये 16, ये क्या होगा 15, यानी राइट से क्या होगा 15। और इसी के बारे में कह रहा है कि ए के दाहिनी ओर 11वां है, तो ए के दाहिनी ओर इधर हुआ, तो ए के दाहिनी ओर यानी इधर इसी की पोजीशन क्या है, 11वीं भी है, इसके 11वीं मतलब इधर से 11वीं, तो ये 16 पे है, तो 16 में 11 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 27, 6 7 1 1 2 27, यानी जो जी है वो बाएं से यहां से 27वां और दाहिने से 15वां है, तो 15 और 27 42 हुआ, 42। अब मैंने सिखाया कि अगर एक व्यक्ति को लेफ्ट राइट दोनों तरफ से काउंट किया जा रहा है तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया 41। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, तीन कथन S1, S2, S3 नीचे दिए गए हैं, जिसके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। सी डी से छोटा पर ए और बी से बड़ा है, जो सी है डी से छोटा है लेकिन ए और डी से बड़ा है, डी सबसे बड़ा है। प्रश्न पूछ रहा है एबीसीडी में से सबसे छोटा कौन है, अगर सबसे बड़ा पूछता तो हम लिख देते केवल S2 पर्याप्त है। ठीक है, अब छोटा पूछ रहा है डी सबसे बड़ा है, सी डी से छोटा है, ए डी इससे भी छोटे हैं कह रहा है ना, सॉरी ए बी जो है सी डी से छोटा है, पर ए और बी से बड़ा है, तो अब सी डी से छोटा है ए बी से बड़ा है तो इसमें सब छोटा कौन है ये बता नहीं सकते, यानी अकेले पहले कथन से नहीं बता सकते, डी सबसे बड़ा है इससे बड़ा बता सकते हैं छोटा नहीं बता सकते। तीसरा ए बी से बड़ा है, अब देखो डी बड़ा है सी से और सी बड़ा है ए और बी दोनों से, फिर कह रहा है ए बी से बड़ा है, यानी ए जो है किससे बड़ा है बी से। अब जाहिर सी बात है अगर S1 और S3 ये दोनों कथन हमें मिल जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हम बड़े आसानी से दे सकते हैं, आशा है अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि
एस टू का यहां रोल ही नहीं है, एस वन और एस थ्री, क्योंकि एस वन में कह रहा है कि सी डी से छोटा यानी डी सबसे बड़ा हो ही गया, तो जब डी वो डी सी से बड़ा हो गया और सी ए और बी से बड़ा है, तो ये तो एस वन कथन से ही कंफर्म हो गया कि जो है सबसे बड़ा कौन है, डी है, तो एस टू की तो हमें वैसे भी आवश्यकता नहीं। और जैसे हमें एस थ्री मिल गया कि ए बी से बड़ा है, तो डी जो है सी से बड़ा है और सी ए और बी दोनों से बड़ा था, लेकिन ए बी में ए बी से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन होगा, बी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये है प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है एक और सौ के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक चार है लेकिन वे चार से विभाज्य नहीं है। ठीक है, एक अंक चार तो चार है, चार चार से विभाजित हो जाएगा, चार के बाद पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह चार से विभाजित नहीं होगा, चौदह के बाद क्या आएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 24 चार से विभाजित हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 के बाद क्या आएगा, 34, ये चार से विभाजित नहीं होगा, 34 के बाद आएगा 40, वो चार से विभाजित हो जाएगा, 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 44 हो जाएगा, 45, 46, 47, 48 भी हो जाएगा, 49, 54, 64 हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 74 भी डिवाइड होगा, चार दुनिया चार एकम चार, 94 नहीं होगा, तो कौन कौन होगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, ऑप्शन सी, यानी वो 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो जिनमें एक जगह चार तो दिखेगा पर वो चार से विभाजित नहीं होगा। अब आप देखिए इन सब प्रश्नों को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यूपीएससी नंबर्स के साथ कैसे खेला करता है, कैसे खेल कराता है, कैसे आपके धैर्य का इम्तिहान लेता है। अब ये है तो आसान प्रश्न, लेकिन परीक्षा में सोचते वक्त अगर इनमें से एकाध छूट गया या सोचते वक्त एकाध बढ़ गया तो दोनों का जुगाड़ है, जैसे एक बढ़ गया तो 13 हो जाएगा, एक आपने कम गिना तो 11 का भी जुगाड़ है, यानी 11, 12, 13 ये तीनों आंसर दिए गए हैं। इसीलिए कि अगर आप जल्दी में गर्मी के मौसम में घबराहट में दिल की धड़कनें बढ़ी हों, एक ज्यादा जोड़ लिया तो 13 भी आपका जुगाड़ कर रखा है, अगर आप ये लिखते वक्त एकाध भूल गए तो वह भी जुगाड़ कर रखा है, और आप सही पे आ गए तो 12 तो ही है, आएगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।